आप ये बताइए कि बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं फिर से? देखिए, आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप ठोकर खा के गिरें। बुलेट ट्रेन से तब चला जाएगा जब हमारी सारी ट्रेनें सही चलेंगी। प्रगति की जो हम बात करते हैं तो वो प्रगति का भी एक प्रिंसिपल होता है। जहाँ तक के चुनाव की बात है, संवैधानिक तरीके से जनादेश का 100% रिफ्लेक्शन सही होना चाहिए। अगर उसमें ज़रा सी भी गुंजाइश है कि ये गलत है तो उस गुंजाइश का, गलती का फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए और पेपर बैलेट के लेकिन इससे लगता नहीं आपको कि एक नतीजे आने में भी देरी होगी, कई और समस्याएँ जो पहले सिर्फ नतीजे आने में देर होती है, 3 दिन हम इंतज़ार कर लेंगे, 5 साल के हम जनादेश को कहीं धक्का लगना नहीं। बैलेट में जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें होती थी, ये सब सारी शिकायतों के बावजूद फिर से एक बार वो ख़त्म हो गए ज़माने जब बूथ कैप्चरिंग होती थी और घुस जाया करते थे घर में, लेकिन अब ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो फेयर पोल करवाएं पेपर।